Okay, so can you please uh, also confirm that uh, uh, the slides are visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thanks for the confirmation. Achadi. Uh -huh. Uh, so, we are going to continue uh, the same lecture, not the same topic. We already have covered uh, topics related to, we talked about uh, load curves and uh, how the load curves are differentiated and then also we talked about tariffs last week. So, we talked about tariffs and I told you about assignments bhi do

So chapter four is related to that how we can manage economics from power generation side. So now uh, it is why it is important first of all to know that uh, what should be economics of power generation. Uh, la uh, last week I mentioned to you there are three levels of power system. We have three levels. We generate karte hain, then we transmit it, and then we distribute it.

Uh, next semesters so but in distribution we always look towards this thing that if you are generating power from some such source or uh, uh, what is the type of source from where you are generating your power and that basically identifies that how much electricity will uh, be costing for you अब जो मैंने आपको आपको टैरिफ वाला चैप्टर चैप्टर पहले पढ़ाया है है नंबर उसकी रीजन यही थी कि आपको कि आइडिया दिया जाए आपके किस तरह बिलिंग मैकेनिज्म होता है। हमने उसमें बहुत सारी टैरिफ्स जनरल ओवरव्यू व्यू गोइंग ऑन दीज डेज इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम सो so, जेनरेशन में जब हम आते हैं आजकल डिस्कस करते हैं तो वी आर नॉट ओनली फोकस्ड ऑन सेंट्रलाइज जेनरेशन फ्रॉम कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज हमारे पास पहले जब हम अगर uh, आज से ट्वेंटी ईयर्स बैक चले जाएं तो हमारे पास ऑप्शन थी थर्मल पावर जनरेशन कर लें आप थर्मल पावर जेनरेशन में आपको कोई ना कोई फॉसिल फ्यूल होता है जैसे कोल है Uh, आपका ऑयल है इसको बर्न करते हैं और उससे जो एनर्जी आती है उससे बॉयलर आप यूटिलाइज करते हैं बॉयलर से स्टीम पावर बनती है और स्टीम एनर्जी जाके आपके टर्बाइन से रिलेट करेगी एंड देन यू विल बी ड्राइविंग योर जनरेटर टर्बाइन इज बेसिकली प्राइम मूवर फॉर योर जनरेटर ये एक हमारे पास ऑप्शन थी थर्मल की पाकिस्तान में uh, थर्मल पावर स्टेशन है मुजफ़्फ़रगढ़ साइड पे एक थर्मल पावर स्टेशन है फिर उसके बाद हम ओवरऑल द वर्ल्ड देखें तो हाइडल भी चल रहा था साथ साथ हमारे पास भी हाइडल है हाइडल जनरेशन भी पाकिस्तान में है थर्मल भी है स्टीम uh, गैस का भी कॉन्सेप्ट uh, है सो दिस वाज 20 इयर्स बैक सो ऑलमोस्ट वी कैन से 20 इयर्स बैक द रिसर्च स्टार्टेड ऑन दिस थिंग दैट ओवरऑल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रेट इज़ राइजिंग और अब आज कल हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इश्यू इज़ वेरी सेंसिटिव आप लाहौर का देख लें स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये सारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है अब हमने वट इज़ आवर रिस्पांसिबिलिटी बींग एलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड बींग पावर इंजीनियर स्पेशली वी नीड टू लुक दैट विच काइंड वी कैन यूज़ विच शुड बी एन्वामेंट फ्रेंडली फॉर योर फॉर योर सराउंडिंगस आप अगर थर्मल यूज़ करते हैं तो ऑफ़कोर्स यू नीड टू बर्न कोल कोल जो होता है वो सबसे कहा जाता है कि सबसे इकोनॉमिकल वे है फॉर थर्मल पावर जनरेशन लेकिन कोल की बर्निंग में इतने ज़्यादा फ्यूम्स हैं इतनी पोल्यूशन है जो कि ज़ाहिर इन्वामेंटल पोल्यूशन जो आजकल है उसके रेट को राइज कर देगी तो कोल जो है वो हमारे लिए एक लिहाज से ज़रूरी है उसके बगैर हम चल भी नहीं सकते क्योंकि थर्मल पावर जनरेशन हमें अच्छा आउटपुट कम देती है लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जैसे कि आजकल कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा क्लीन एनर्जी के बारे में आपके घरों के छतों पे सोलर पैनल्स लगे होंगे आपने और भी कहीं आपने नोटिस किया होगा कमर्शल एरियाज़ में होते हैं तो ये जो तो सोलर का मेकनिज़म है ये बेसिकली क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है और सोलर में हम सन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और सोलर पैनल की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो हाई होती है क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट अब कैसे हाई होती है जाहिर है आपने एक पूरा सिस्टम इंस्टॉल करना है साथ उसके बैटरी होनी चाहिए कन्वर्टर्स इन्वर्टर्स का होता है तो एक स्मॉल एरिया की मैं बात नहीं कर रही वो तो आपके घर के एरिया में है कि इट विल बी कवर्ड इन फोर टू फाइव लैक लेकिन आ, आपने अगर सोलर सोलर ग्रिड पे जाना है तो सोलर ग्रिड की जो कॉस्ट है वो बहुत इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई है सो सोलर इज वन ऑफ द ऑप्शन फॉर अस विच इज अ गुड क्लीन एनर्जी सोर्स विंड बायोमैस बायोमैस का कॉन्सेप्ट आजकल दुनिया में है जिसमें हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं देन वी ऑल्सो हैव जियो थर्मल कॉन्सेप्ट जियो थर्मल कॉन्सेप्ट यह होता है कि आप जमीन के अंदर जहरा जैसे आप देखते हैं ना जल्जले आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जमीन के अंदर इतनी पावर है जमीन के नीचे इतनी पावर है इतनी फोर्स है तो उस फोर्स को यूटिलाइज किया जाता है जियो थर्मल में हमें बेसिकली क्या चाहिए जनरेशन साइड में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वी नीड टू ड्रैक दैट जनरेटर वी नीड सम प्राइम मूवर फॉर आवर जनरेटर सो दैट प्राइम मूवर कैन कम फ्रॉम एनी साइड सो पावर जनरेशन इज

We will be talking about expression of cost of electricity. What can be the methods of determining depreciation? I will be talking about depreciation also, and importance of high load factor. Okay, so let's uh, start our discussion on economics of power generation. Now, uh, power stations are required to deliver power, uh, of course, to number of cons consumers. If you are generating uh, power from a certain grid station. इन अ कन्वेंशनल वे जैसे आपका थरमे तरबेला मंगला है हाइडल पावर स्टेशन है तो एक बहुत बड़ा सेटअप है अब उससे आगे आप फर्दर ट्रांसमिशन सबस्टेशन लगाते हैं और फिर उससे आगे ट्रांसमिशन करके डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे सो द डिज़ाइन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस होल पावर सिस्टम इज नॉट एन ईजी जॉब सो वट वी कैन डू वी ट्राई टू कवर अप ओवरऑल इकोनमी

और उसके कुछ इंसेंटिवस भी होंगे उसके चार्जेस में देन इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर बोथ द जनरेशन कंपनीज एंड द यूटिलाइजर एज द यूजर्स सो द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हाईली कॉम्प्लेक्स वाई इट्स हाईली कॉम्प्लेक्स बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग ओनली टूवर्ड्स वन थिंग यू आर लुकिंग एट मल्टीपल फैक्टर्स यू आर डीलिंग विद अ वेरी लार्ज सिस्टम सो दैट्स वाई Uh, the job of power engineer if you are working on that uh, uh, grid station or any substation is to determine that cost we have set up uh, and we have certain systems and methods which we can use for determining the cost but there are several factors which can influence this cost also like uh, we can have uh, maintenance cost then uh, operation cost

Uh, your industrial user so coming to economics of power generation how we can deal with the economics so um the on uh, talking about the basics now out of determining the per unit of 1 kilowatt hour cost of production of electricity can determine also the economics of power generation we can also talk about economics of power generation and uh, we can determine 1 kilowatt hour how much uh, 1 kilowatt hour is being generated at which cost now if we are having idea about uh, this cost of power generation then uh, we can also take into consideration that uh, these power plants are the, like uh, updating every day

Uh, capacity of uh, the utilizer. Unfortunately, excuse me, ma'am. GG, screening are you? Okay, Let me check. Is this the case for everyone? Sub screen share bode, mm. Bode, mm. Bode, mm. bit... bode, mm. No, ma'am. I do equipment.

the second thing is that reasonable rate pay unfortunately uh, we can see that uh, in pakistan we are having certain changes uh, fluctuation in uh, electricity uh, rates that uh, are not bearable by the consumer now that is uh, that is actually a political reason also because we can see that if you are increasing rate of electricity, then uh, the earning uh, earning amount of people should increase in the same rate, which is not increasing in uh, Pakistan. So that's the big uh, big challenge over here for consumer. So and we are also having a not now, but uh, if we go seven eight years back, it was a generation crisis. सो अ बैड बैड जेनरेशन क्राइसिस विच वी हैड क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जो फोकस है वो हाइडल पर है हाइडल एक देखे नेचुरल रिसोर्स है पानी का तो अगर uh, किसी साल बारिशें कम हो रही हैं तो ऑफकोर्स uh, आपकी जनरेशन पर उसका बहुत बैड इम्पैक्ट आएगा एंड दैट वट वी हैव सफर्ड विद इट तो लोड शेडिंग अभी भी है uh, लेकिन अगर सेवन टू एट ईयर्स बैक जाए तो इट वाज वेरी इट वॉज़ टेरेबल सो हमारे पास हम ओवरऑल अगर वर्ल्ड uh, में देखें तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी टेरिवस हैं या कॉस्ट ऑफ़ जनरेशन है जैसे फ्यूल की प्राइस इंक्रीज होती है और आप थर्मल पावर जनरेशन पे हैं तो ज़ाहिर अगर फ्यूल की प्राइस इंक्रीज़ होगी तो वो इफ़ेक्ट जाएगा आपकी जनरेशन कॉस्ट पे तो वो जो इफेक्ट है वो कंज्यूमर के बिल पे भी जाएगा फिर लेकिन ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं कि अगर आपकी सेंसिबल गवर्नमेंट दे शुड नीड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द अर्निंग अमाउंट एंड द रेट ऑफ राइज ऑफ एवरीथिंग सो दैट इज दैट इज बेसिकली द मैकेनिज्म सो बींग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वी आर फोकस्ड ऑन दिस के हमने ये देखना है कि हमारे पास हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हमारे सिस्टम पे क्या पड़ेगा हमारे सिस्टम पे यही पड़ सकता है कि हम थर्मल या कोल की अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस है अब कोल की प्राइस को आप इंक्रीज करेंगे तो जाहिर है वो उसका इंपेक्ट जाएगा आपके कंज्यूमर पे हम मैं कंज्यूमर की बात इसलिए करती हूँ कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन साइड तो डिस्ट्रीब्यूशन के एंड पे हमारा कंज्यूमर ही आएगा

so de what is depreciation the decrease in the value of the power uh, plant equipment and building uh, the constant is known as uh, de depreciation due to constant uh, use if you are if you are having uh, uh, the, the power if you are having a power plant equipment which has been utilized for continuously 5 years and you haven't done its maintenance, of course आर एंड टीयर विल बी देयर एंड देन इट्स लाइक ओवरऑल एफिशेंसी गोज डाउन तो एफिशेंसी जो है वो आपकी एक sense में आप कह सकते हैं कि अगर आपका power plant बहुत अरसा तक चलता रहा है तो उसकी जो आउटपुट परफॉर्मेंस है वह आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी जिसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन फैक्टर है Now From the time the uh, the power station is installed, it is equipment steady, uh, steadily. we can say that it keeps on utilizing we keeps on utilizing them with the passage of time they actually their age uh, with the passage of their age uh, we can say output So Hamare pas reduction in the value of plant every year is known as annual depreciation. क्योंकि देखें हमारे पास वीयर एंड टीयर हो रही है ना जैसे आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी अगर आपने जीरो मीटर ली है तो हो सकता है कि वो दो दो या एक साल तो काम आपके लिए ना निकाले लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि रोड पे चल रही है एक कंटिन्यूसली uh, आप उसको यूज कर रहे हैं तो उसका काम निकलना शुरू हो जाएंगे यू नीड टू टेक दैट कार टू वर्कशॉप सो द इज केस विद पावर प्लांट्स सो दैट बेसिकली वीयर एंड टीयर विच वी आर फेसिंग इन आवर सिस्टम

आप उसके रिप्लेसमेंट के बारे में सोचें प्लांट की लेकिन हम जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं या यूजुअली या हाइडल पावर प्लांट्स होते हैं जैसे आपने डैम्स वगैरह बनाए हैं इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है आप इनको हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ऑफ uh, ऑफ़कोर्स uh, वही बात है कि मेंटेनेंस आपने टाइमली करनी होती है मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो इट विल बी गोइंग टू लूज़ इट्स अफिशेंसी विद द पैसेज ऑफ टाइम सो इट बिकम्स ऑबियस दैट वाइल डिटामिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एनुअल डिप्रिसिएशन चार्जेज मस्ट भी इंक्लूडेड अब हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे तो हमारे जो प्लांट का ऑपरेशन है उसमें एक एनुअल डिप्रीसी चार्ज भी होता है सो देर आर सिवरल मेथड टू फाइंड एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज हम अगर जेनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो जनरेशन प्लांट है हमारा those key annual depreciation is important. And as I said, your generation plant is indirectly linked with your, like uh, through transmission is li linked with the distribution. So that's why the impact will be coming on distribution side. Now, if we look on cost of electricity, what is cost of electricity and how we can estimate it? So we can say that uh, there are basically three parts of cost. One is fixed one, ज सेमी फिक्स कॉस्ट एंड वन इज रनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट अच्छा जी लास्ट uh, वीक हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस बारे में अब डिस्कशन uh, आपको याद होगा हमने की थी कि आप अगर घर में uh, मतलब आप नहीं हैं घर में आप गए हुए हैं कहीं पर आपने बंद रखा हुआ है सब कुछ फिर भी आपको कुछ चार्जेज आ रहे होते हैं या दोस्तों बेसिकलीट इज फिक्सड कॉस्ट सो फिक्स कॉस्ट इज इनडिपेंडेंट ऑफ मैक्म डिमांड एंडिट्स जनरेटेड इसका कोई लिंक नहीं होता आपकी मैक्सिमम डिमांड से या जनरेटेड यूनिट्स कितने आपने यूज़ किए ये एक फ़िक्स कॉस्ट है जिस तरह आपने 500 हंड्रेड से फ़िक्स कर दिए या आपने थाउजेंड रुपीज़ एक फिक्स कॉस्ट है वो आपको आना ही आना है क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं जो फिक्स कॉस्ट होती है जो आपका कंज्यूमर पे करेगा वो बेसिकली ये एनअल डिप्रिसिएशन चार्जेस और मेंटेनेंस में जा रहा होता है तो वो एक फ़िक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर है जो कि हमारे कंज्यूमर ने पे करना ही है यूटिलिटी को The fixed cost is due to the annual cost of central organization and interest or capital cost. So this is basically and salaries of high officials. So basically this uh, system as we are running, uh, the same things come over here that uh, we are taking from it uh, from our consumer and we are then consuming it in different things, in different interest of our system. And the annual expense teacher, annual expense teacher, your maintenance cost, your so, uh, system will fixed the annual expenditure on the central organization and salaries of high uh, officials is fixed since it has to be met whether the plant has high or low maximum demand. So it generates less or more units. Our fixed costs uh, dependent factors. For example, if you are living in a country, then based upon the fuel prices, if you are uh, working towards thermal power plant generation, न फ्यूल प्राइसिस कोल प्राइसिस आपकी गैस की प्राइस अगर आप स्टीम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस कितनी चल रही है तो उस पेस पर पे आपके डिसाइड होता है कि एक फिक्स कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा ना कमिंग टू द सेकेंड सेकेंड टाइप विच एज सेमी फिक्स कॉस्ट सेमी फिक्स कॉस्ट डिपेंड करती है मैक्सीम डिमांड पे लेकिन ये इनडिपेंडेंट होती है जनरेशन यूनिट से

तो उसमें मेंटेनेंस भी चाहिए तो उस लिहाज से हाइडल का एक्सपेंडिचर होता है इसीलिए बीइंग एन अंडर डेवलप्ड कंट्री इन पाकिस्तान वी डोंट इनक्रेज थर्मल पावर जनरेशन दैट मच अब आप अगर देखें ओवरऑल अगर मैं आपसे एक चले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ आपका क्या आइडिया है आप इंजीनियर बन रहे हैं तो आपने कभी ये देखा है कि हमारे पास पाकिस्तान में थर्मल ज़्यादा है हाइडल ज्यादा है या कौन सी जनरेशन है जो ज्यादा है हाँ जी कोई आइडिया है किसी में. को इस बारे में हाइडल ज्यादा है ठीक है हाइडल है तो देखिए हाइडल ज्यादा है ना तो हम लोग एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं हम चाहते हैं कि हमारा नेचुरल रिसोर्स से हो उसकी रीजन ये है कि ज़ाहिर हमारा कंज्यूमर भी उतना पे नहीं कर सकता अगर हम थर्मल पे जाएंगे और आप फ्यूल को बर्न करना शुरू कर देंगे या चले कोल को बर्न करना शुरू कर देंगे तो वाहरा आपको उतनी ही कॉस्ट जनरेशन की इंक्रीज होगी जब जनरेशन की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसका प्रेशर आ जाके आपके कंज्यूमर में पड़ेगा सो दैट्स बेसिकली द थिंग्स आर इंटरलिंक्ड सो द सेमी फिक्स कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन एंड इज ऑन अकाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड लाइक सैलरीज दैट ऑल द सो सेमी फिक्स कॉस्ट हम कह सकते हैं कि ये एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है सेमी फिक्स कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट है जो कि आपकी डिमांड से रिलेटेड है डिमांड का मतलब ये है कि अगर आपकी लोड की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो है आपको जनरेशन ज़्यादा देनी पड़ेगी अपने सिस्टम को ठीक है तो उसकी वजह से ये फ्लक्चुएट करती जाती है तो इसका एक फैक्टर फ्लक्चुएटिंग है मैक्सिमम डिमांड के लिहाज से बट ये इनडेंडेंट होती है चाहे जिस तरह से भी आप जनरेट करें मतलब इसमें फ्यूल चार्जेस या वो चीजें हम नहीं डालते हम सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डाल देंगे एनुअल डिप्रीसी डाल देंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम डिमेंड किस तरह मैनेज हुई ये तो था सेमी फिक्स कॉस्ट इसमें फिर साइज एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन का फैक्टर भी आ जाता है कि आपने कितने साइज का जनरेशन पावर स्टेशन है और आप कितने रिजन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी ना जनरेट आप कर रहे हैं मंगला तरबेला पे लेकिन आप देखें कि वो जा रहा है बहुत दूर दूर तक आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं फिर तो दैट इज बेसिकली यू नीड टू लुक एट साइज एंड कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन नाउ इफ द ग्रेट योर डिमांड इज ग्रेटर ऑन पास स्टेशन देन ग्रेटर शुड बी द साइज एंड इट्स कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन दैट इज बेसिकली को रिलेटेड विद ईच अदर एंड कमिंग दैट

खुद से अपनी पॉकेट से तो नहीं पे करना हमारे हमारे तो जो कंज्यूमर पे करेगा उसी से हमने पे करना है इस टैक्स को भी तो ऑफकोर्स इसका बर्डन जाएगा आपके कंज्यूमर पे रनिंग कॉस्ट क्या है रनिंग कॉस्ट है जो कि डिपेंड करती है ओनली ऑन द नंबर ऑफ जनरेशन यूनिट्स फॉर एग्जाम्पल आपका जनरेशन पावर प्लांट है उसके पास टेन जनरेटर्स रन कर रहे हैं इन पैरल ऑपरेशन आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ा होगा पैरल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स का कॉन्सेप्ट उसमें होता यह है कि हमारे पास सिर्फ एक जनरेटर नहीं होता हम सेवरल uh, जनरेटर्स को पैरल में रन करवाते हैं और लोड को शेयर करवाते हैं अगर आपके पास टेन जनरेटर्स हैं लेकिन आपके सिस्टम की डिमांड इस तरह है कि आप ये देखते हैं आ, मतलब हमारा जो हम बींग पावर इंजीनियर सिटिंग ऑन जनरेशन साइड

लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मैपको मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को है तो ये अब आप देखिएगा इसको एक्सप्लोर कीजिएगा ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही कि ये जेनकोज में आती हैं जनरेशन साइड पर हैं तो जनरेशन का यूनिट जब आप पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगी तो ये सारी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है ना ये ले लैसको वापडा ये सारी इसीलिए गवर्नमेंट बेस्ड होती हैं इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है तो उनका जब सैलरीज बढ़ेंगी वो गवर्नमेंट ही उनको उनकी सैलरीज को भी इंक्रीज करेगी क्योंकि गवर्नमेंट जब ऑयल की प्राइसेस को इंक्रीज करेगी तो वो देखेगी कि सैलरीज को इंक्रीज करना है कि नहीं तो वो उनके एम्प्लॉयज़ की भी सैलरीज उसी तरह इंक्रीज होंगी लेकिन आ, जो हमारा कंज्यूमर है ज़ाहिर है उस के पास भी बिलिंग का रेट इंक्रीज होगा लेकिन अब देखें ये सारी चेन मैकेनिज्म है ना चेन मैकेनिज्म ये है कि हमें एक बैलेंस रखना चाहिए बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम ये अब समझ सकते हैं कि अगर आपकी फ्यूल की प्राइस हाई हो रही है तो इसका मतलब है कि सैलरी भी उसी लिहाज से हाई होनी चाहिए फॉर एवरी पर्सन क्योंकि सिर्फ देखें जेनरेशन वाले तो इसमें रिलेटेड नहीं है कंज्यूमर हमारा जो है वो सबसे बड़ा विक्टम फिर बनेगा ना इस केस में कि उसको पे करना है uh, तो इस वजह मतलब से वी नीड टू में बैलेंस बिटवीन दीज टू एंड इफ इट इज देर इज नो बैलेंस कोर्स देर विल बी अस

लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके जनरेशन यूनिट से आपकी रनिंग कॉस्ट है प्रोपोर्शनल टू तो केल अबाउट आवर जनरेटेड डायरेक्टली रिलेटेड है जनरेशन यूनिट्स के साथ इसका मतलब हमारे तीन फैक्टर्स हैं ए बी सी और ए बी सी को हम फिर अगर सेपरेटली देखें तो आपका ए जो है वो एनुअल फिक्स कॉस्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड एन एनर्जी आउटपुट Then B is cost uh, which is multiplied by maximum the kilowatt uh, demand, but it is independent on the generation units. And C is the constant when multiplied by kilowatt hour. So it is sometimes convenient to give the annual cost of energy in two part form. So, two part form, we have total annual cost of energy. Ko कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम इसमें से रनिंग कॉस्ट को कर दें ठीक है ए और बी को सिर्फ कंसिडर कर लें जो कि एक फिक्स चार्जेस हैं और एक आपके जो है वो जो आपके चार्जेज हैं जो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपके किलोवाट आवर जनरेटर जन कॉस्ट पे कर रहे हैं मतलब एक टू पार्ट फॉर्म इस तरह भी हो सकती है कि आप फिक्स्ड को ले लें और सेमी फिक्स्ड को ले लें टू पार्ट फॉर्म ये भी हो सकती है आप फिक्स्ड को ले लें और रनिंग को ले लें सो देर देर कैन बी दिस कैन बी द ऑप्शंस फॉर अस सो इट इज सम इंटरेस्टिंग टू सी हियर दैट टू पार्ट फॉर्म इज अ सिंपलीफिकेशन ऑफ थ्री पार्ट फॉर्म एंड इट इज़ इजDerived एक्चुअली फ्रॉम थ्री पार्ट फॉर्म लेकिन आप क्या करते हैं कि आप कुछ कॉस्ट को मर्ज कर देते हैं और उसके बाद एक टोटल uh, सिस्टम बना लेते हैं सो लेट्स हैव अ लुक दैट व्हाट इज बेसिकली मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन डेप्रिसिए हमारे पास एक ऐसा फैक्टर है जो कि एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट होता है हमारे जनरेशन साइड पे सो देर इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एंड अदर प्रॉपर्टी प्लांट एवरी ईयर ड्यू टू डेप्रीसिएशन सो सम मेथड्स कैन बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस you can see there is uh, like straight line method, diminishing value method, skinning fund method, uh, sorry, sinking fund method and uh, straight line method also. So these are depending upon that, uh, how we are going to calculate overall consumption from the system. So straight line method is key by definition, uh, it's a constant depreciation charge. Which is made every year on the basis of the depreciation and useful life of the property. So ye basically utilization of your power generation plant ki. So annual depreciation charges will be equal to total depreciation. You can see over here in the formula. So annual depreciation charge calculated total depreciation or to useful life kitni hai? Useful life in the in form of years. Hoga. ठीक है तो आपके जैसे ट्वेंटी गुजरे हैं और आपकी टोटल टोटलिएशन uh, क्या है अब आपने टोटल पावर जनरेशन प्लांट आपका ऑपरेट करना शुरू हुआ आपने उसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट देखी वो थी वन लाख नाउ द स्क्रैप वैल्यू टेन थाउजेंड इज कमिंग डाउन फॉर एवरी ईयर सो आफ्टर ट्वेंटी you need to look at that uh, how much uh, annual depreciation charges are there so it will be almost you can see 4500 over here and then in straight line method uh, we apply annual depreciation charge on the straight line method by using this expression you can see this is formula अच्छा इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या है कि हम p को लेंगे इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट n को लेंगे यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इन इयर्स जैसे ट्वेंटी इयर्स मैंने आपको शो किया था प्रीवियसली एंड s इज स्क्रैप और सेलवेज वैल्यू आफ्टर द यूजफुल लाइफ g ये जो ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन निकाल है इसकी वैल्यू गलत आ रही है अह ये वाली यस मैम नहीं आपने आ, किस तरह देखें वन लाख में से आप निकाले ना टेन थाउजेंड को और इसमें तकरीबन आपको ये भी देखना है आपके ट्वेंटी इयर्स के लिए आपने एस्टिमेट किया है ठीक है एस्टीमेट किया अगर आप इसको निकालेंगे ओवरऑल तो इसमें फैक्टर ओवरऑल एक जनरलिएशन जो चार्ज मैंने शो किया है इसमें कैलकुलेशन ओवरऑल क्या आ रही है ठीक ये मुझे मुझे भी लग तो नहीं रहा कि गलत आ रही है बनेगा ना प्लांट अच्छा यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट का मतलब है क्या, क्या मतलब है देखिए आपके वही बात है कि आपके पास जैसे टेन थे ना टेन जनरेटर्स इन पैरेलल अब आपने उसमें देखना कि उसमें से ऑपरेटिंग कितने हैं होता ये है कि हमारे यूनिट्स तो टेन होते हैं लेकिन इन द स्टार्ट टेन ही वर्क कर रहे थे लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आिस्ता वीयर एंड टीयर बढ़ता है और हो सकता है यूनिट नंबर फाइव इज अंडर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम और आपने यूनिट नंबर फाइव को ऑफ किया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट जो थी वो टेन यूनिट्स के साथ होनी थी लेकिन अब नाइन के साथ हो रही है सो दिस इज़ बेसिकली वट इज़ बेसिकली करंटली यू आर यूजिंग in terms of plants okay in terms of generation generating units you can say so this is basically how we determine s aapki s jo hai wo annually uh, dekhi jati hai uski reason ye hoti hai ki hum ek plant ko monthly basis pe it's very hard to have a look on its depreciation charges लेकिन अब आपको मैं interesting बात एक यहाँ पर बताती हूँ ये सारी जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये अभी तक हमारी कन्वेंशनल पावर जनरेशन पे बात कर रहे हैं कि इतनी हुई हुई तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे हमारे पास अभी जो मैकेनिज्म है जिसमें हम सोलर यूज़ करते हैं विंड यूज करते हैं वो इतनी फ्लक्चुएटिंग होती है जैसे आप देखें ना अब आपके पास वेदर फोरकास्ट हो तो एक ही महीने के अंदर कितने दिन होंगे जिनमें क्लाउड्स आ जाते हैं कितने दिन होंगे जिनमें जो सनी है फिर रेनी सीजन भी आ जाता है तो हमारे पास फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा होती है कि हम एनुअल के बजाय उनको प्रेफर करते हैं कि हम मंथली बल्कि डेली बेसिस पे देखें कि हमारे पास कितनी डिप्रिसिएशन uh, हो रही है या कितने हमारी जनरेशन हो रही है तो ये उस, उनका जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल टोटली totally हमारे पास डिफरेंट है क्योंकि वो हमेशा याद रखना है कि वो उनकी इंटरमिटेंसी बहुत ज्यादा इंटरमिटेंसी कहते हैं फ्लक्चुएशन को तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा उनसे ठीक है सो दिस इज द मेन रीजन नाउ दिस वन इज टिपिकल

हमेशा उसके बारे विंड है सोलर है इनके बारे में कहा जाता है कि इंस्टॉलेशन आपकी बहुत हैवी बजट होती है लेकिन आपकी फिर जो रनिंग कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल होती है क्योंकि आप नेचुरल रिसोर्स पे होते हैं जैसे आप देखें ना हाइडल भी एक नेचुरल रिसोर्स है ये भी एक हाइडल को भी हम बिल्कुल कहते हैं कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स है क्योंकि देखें कोई फ्यूम्स तो नहीं आ रहे आपके पास ना इससे लेकिन आप उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखें

वही बात आ जाती है कि हम अंडर डेवलप कंट्री है ना हम फ्यूल से कर नहीं सकते हम फ्यूल पे ले जाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से सही है तो ये रीजन है कि हम वाटर बेस्ड कर रहे हैं जनरेशन और इसी वजह से हम लेकिन ये भी एक गलत बात है देखिए हम एक सोर्स पे रह रहे हैं ना इसी वजह से हमें लोड शेडिंग देखनी पड़ती है फिर जब आप एक सोर्स पे रहते हैं तो उस नेचुरल रिसोर्स ने कभी ना कभी तो खत्म हो जाना है अब नेचुरल रिसोर्स कभी बारिशें नहीं हुई आपकी तो देन यू हैव टू सफर सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच वी आर है and coming back to straight line method which we were discussing straight line method is extremely simple and is easy to apply as the annual depreciation charge can be readily calculated from the total depreciation and useful life of the equipment now i'm going to show you a curve which will tell you that how the depreciation this uh, actually will be calculated you can see in this figure on x-axis we are having age of your power plant then, on one y-axis on left hand side, we are having value. on right hand side, we are having total depreciation. And it's a straight line method in which what we are doing, we are basically starting from this point, p, Keski value high. फिर एनुअली हमने उसका देखा कि आपकी स्क्रैप वैल्यू कितनी आई है जो डॉटेड लाइन है ये आपकी स्क्रैप वैल्यू है स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि इतनी जो वैल्यू है वो आपकी यूटिलाइज हो नहीं रही आपके लोड को नहीं चला रही बल्कि किसी रीज़न की वजह से ये जनरेशन प्लांट से जनरेट नहीं हो पा रही जैसे कि मैंने आपको एक रीज़न बताई कि आपका कोई एक यूनिट है विच इज़ नॉट वर्किंग

अच्छा जी मेथड्स ऑफ डिटर्मिन डेप्रिसिएशन वी हैव गॉन थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑलरेडी डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड डिमिनिशिंग वैल्यू मैथड इजिंग इन टू कंसिडरेशन डेप्रिसन चार्ज इज मेड एवरी ईयर एट अ फिक्स रेट सो डिमिनिशिंग वैल्यू में हम कह देते हैं कि जो डिप्रिसिएशन है वट एवर इट इज़ वी फिक्स द रेट फॉर हम कहते हैं कि अच्छा इक्विपमेंट में भी एक एवरेज एक वैल्यू निकाल लें फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट स्टार्ट किया आप एवरी ईयर कहते हैं कि अच्छा बस ठीक है ये फिक्स्ड कॉस्ट है जो डाल दें और ये फिक्स कॉस्ट का नेचर जो है आप इस तरह डाल दें कि जितनी वियर एंड टीयर होगी उसको अप करते जाएंगे लेकिन एक फिक्स्ड एक स्लॉट है जो कि आपने डालनी है एनुअल डिप्रीसी में सो डिशन चार्ज इज फर्स्ट अप्लाई टू इनिशियल वैल्यू सो एज एन एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इनिशियल कॉस्ट थी इक्विपमेंट की टेन थाउजेंड रुपीज़ और स्क्रैप वैल्यू आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इज स्क्रैप वैल्यू जीरो है इनिशियल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट टेन थाउजेंड रुपीज़ है सो एनुअल रेट ऑफ डिप्रिसशन इज टेन परसेंट आपके पास uh, हम देखेंगे कि अगर आपका एनुअल रेट ऑफ सेट है एक फिक्स्ड अमाउंट है It means that you need to multiply this factor 0.1 with your 10,000 rupees, which is the initial cost of the equipment. It means rupees 1,000 is basically that value. Now, value of the equipment is uh, basically diminished by, you can say it's uh, reduced by thousand, 1,000, and becomes 9,000. So, wh what happens that, if you have 10,000 rupees' ki initial cost, thi, 1, 000, आप उसका रेट ऑफ़ निकाल लें ले, तो मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं अब सेकेंड ईयर पे आए फर्स्ट ईयर में तो हमने ये कर लिया अब सेकेंड ईयर में क्या होगा डिप्रिसिएशन चार्ज विल बी मेड ऑन दट फर्दर दैट वैल्यू ऑफ नाइन थाउजेंड एंड इट विल बिकम थाउजेंड सो नाइन हंड्रेड रुपीज तो इस तरह ये देखें कि आपकी थाउजेंड रुपीज थी फिर नाइन हंड्रेड थी फिर फर्दर आप करोगे तो आपके पास फर्दर कम आ जाएगी कि वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट क्या बन जाएगी नाइन थाउजेंड माइनस नाइन हंड्रेड एटी वन हंड्रेड अब जब फिर आप टेन परसेंट को फिर मल्टीप्लाई करेंगे अगले ईयर तो वो एट हंड्रेड एंड टेन चली जाएगी ठीक है तो इस तरह ये है कि हम कॉस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट रख देते हैं जैसे हमने यहाँ पर एक फिक्स रेट ऑफ डिप्रीसी किया टेन परसेंट उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं और पिछली कॉस्ट से देखते जाते हैं कि कितनी कॉस्ट इसकी रिड्यूस होती जा रही है अब कॉस्ट देखें प्लांट की या जनरेशन यूनिट की क्यों रिड्यूस हो रही है उसकी रीज़न यह ना देखें फॉर एग्जाम्पल वही मैं आपको मिसाल देती हूँ आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी आप जितने साल पुरानी गाड़ी होती है उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाती है सही है तो ये बिल्कुल यही चीज़ है कि आपका जनरेशन यूनिट जितना पुराना होता जा रहा है आसते उसकी कॉस्ट भी डाउन होती जा रही है सही है तो फिर आप हाँ उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं आप अपनी गाड़ी की भी जैसे प्रॉपर मेंटेनेंस रखें आपको की गाड़ी को मसला नहीं है तो उसके आप फिर थोड़ी अच्छी, अच्छी जो है ना अमाउंट में आप उसको सेल कर सकते हैं उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी रहती है तो इसी तरह ये जनरेशन यूनिट की भी बात है कि इफ़ यू आर डूइंग द प्रॉपर मेंटेनेंस देन यू कैन मेंटेन दिसिएशन वैल्यूज अच्छा जी यहाँ पर ये मैथमेटिकल जो आपकी अब ट्रीट में मैथमेटिकल स्टेटमेंट है सो इफ़ वी आर कंसिडरिंग पी इज़ द कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एन इज़ द यूज़फुल लाइफ ऑफ प्लांट यूज़फुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट एस इज़ द स्क्रैप वैल्यू देन इफ़ वी आर पुटिंग डिप्रिसिएशन एनुअल डिप्रिसिएशन फिक्सड कॉस्ट जो कि मैंने आपको टेन परसेंट जैसे बताई थी और मैं उसका नाम दे देती हूँ एक्स का x is my that cost which is uh, which we are putting that fixed cost which we are putting in our system so value of the equipment after one year it will be p minus px and it will be p uh, 1 minus x after two years you will be putting it like that Up e the first year may calculate to ep into 1 minus x apne total mein kya karna hai? minus kar p minus px is the total one

and value of equipment after any any years will be p 1 minus x raised, raised to power n so n will be number of years p is the cap, uh, capital cost and x is that depreciation factor which you are including अच्छा जी अब आप देखें तो हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में ये पढ़ा था कि हमें पता चलेगा कि आपकी अगर एक सर्टेन स्क्रैप वैल्यू है तो टोटल यूज़फुल लाइफ उसकी कितनी है लेकिन आप यहाँ पर आके देखो तो हमारे पास डिप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी हमें आप देखें इस ये जो आपका ब्लैक एरो नज़र आना टोटल डिप्रिसिएशन का अब आप जब कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूला से तो आपको ये टोटल डिप्रिसिएशन भी पता चल जाएगी कि कितना वियर एंड टीयर हुआ कितनी डेप्रिसिएशन आपकी प्लांट लाइफ में आई है टोटल तो ठीक है सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डेप्रिसिएशन मेथड अच्छा जी द नाउ आफ्टर दिस वी कैन ऑल्सो सी दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड

इन द लेट ईयर्स वैन द maintenance एंड रिपेयर चार्जेस आर quite हैवी अब आप देखें कि आपने डिप्रिसिएशन चार्जेस जो हैं वो आप आने वाले ईयर्स में अगर add up कर रहे हैं और या सॉरी आप subtract करते जा रहे हैं जैसे मैंने किया था कि थाउजेंड आई थी तो आपने उसमें से सबट्रैक्ट किया फिर आपकी नाइन थाउजेंड रह गई तो अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो हमारे पास जो रिपेयर चार्जेस या जो आपके मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो कहाँ से फिर पूरे होंगे ठीक है हमें बेनिफिट जा रहा है हम उसके कॉस्ट ओवरऑल कम कर रहे हैं इस मेथड से लेकिन हमारे पास देखें ये भी तो है ना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को फुलफिल uh, करना है कि मेंटेनेंस और रिपेयर चार्जेस भी निकालने हैं एंड देन सेकेंडली द डिप्रिसिएशन चार्जेज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करता एक फिक्सड आपने कर दिया जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टेन परसेंट कर दिया लेकिन गवर्नमेंट साइड से अगर ये ट्वेंटी परसेंट था सो वट अबाउट दैट सो इट मीनस दैट यू आर इग्नोरिंग कम्पलीटली दैट टेन परसेंट

Initial value of equipment here. Useful life of uh, equipment in years here. Scrap value here, but then we have annual rate of interest expressed as uh, a decimal. So R is the annual rate of interest. Now cost of replacement. We uh, need to look at what is the cost of replacement of a certain unit, which will be initial value of the equipment minus the scrap value. So if we uh, go into mathematics of this. Uh, uh, this certain method, then we can uh, look towards it by considering the amount which is q which is set uh, aside as depreciation charge every year and interest compounded on it so that amount of p minus s is available for n years so if we are taking uh, this into consideration then in straight line method only we were considering like uh, p uh, initial value of equipment scrap value and number of years फिर उसके बाद हमने डिमिनिशिंग वैल्यू में एक्स का फैक्टर डाला जो डिप्रिसिएशन रेट था अब यहाँ पर आके हमने एनुअल अमाउंट एक पर्टिकुलर जो है उस पर एनुअल इंटरेस्ट रेट डालेंगे जो कि आर का फैक्टर है तो हमारे पास जो टोटल इक्वेशन बनेगी एट द एंड ऑफ ईयर वो बनेगी कि आपकी क्यू जनरेशन कितनी है और आपका इंटरेस्ट रेट कितना है किसी भी सिस्टम पे सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द अमाउंट इज क्यू प्लस आर क्यू विच इज़ क्यू इंटू वन प्लस आर सो इट मीन यू आर बेसिकली मल्टीप्लाइंगेशन सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा क्यू प्लस आर क्यू तो पीछे से चलती आ रही पिछले ईयर की आप फिर मजीद डालेंगे कि इंटरेस्ट रेट को आप क्यू प्लस फर्दर इंटरेस्ट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप देखेंगे क्या आपकी वैल्यू आती है तो एन ईयर के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है क्यू इंटू वन प्लस आर रेस्ट पावर एन So, this is uh, with the passage of year how we can find out. For example, if uh, second year you are considering, then it will be Q into 1 plus R and minus 2. F? At the end of third year, yes. yes I am going to repeat this Oh, this one. अच्छा जी देखिए आपका स्ट्रेट लाइन मेथड जो था ना स्ट्रेट लाइन मेथड में आप ये बोलते हो कि आपके पास इनिशियल अमाउंट है है जो आपके जनरेशन यूनिट की देन यू आर हैविंग अ स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू वैल्यू तो वो उसे डिडक्ट करते हैं पी माइनस एस और उसके बाद आप देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इस को डिवाइड कर देते हैं फिर हमने डिमिनिशेड वैल्यू मेथड देखा उसमें मैंने आपको एक्स का फैक्टर बताया था एक्स का फैक्टर क्या होता है जैसे टेन परसेंट आपने एक वैल्यू लगाई एनुअली आप उसको एडअप करते जाएंगे प्रीवियस वैल्यू से और सब ओवरऑल वैल्यू को करते जाएंगे यहाँ पर ये जो मेथड है आपका जिसको हम नाम दे रहे हैं सिंकिंग सिंकिंग फंड फंड मेथड मेथड में अब ये जो नाम है इसे आपने याद रखना है फंड मेथड इंटरेस्ट रेट लगाना होता है हमने कि इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ता जाएगा जैसे इसकी एग्जाम्पल डेली लाइफ से ये है कि आपने जैसे बैंक से कर्जा लिया है ठीक है टेन ईयर्स का और बैंक आपको कहते हैं कि एवरी ईयर उस उसपे इंटरेस्ट लगेगा आप कहते हैं और बैंक आपको कहते हैं आप जितनी जल्दी पे करेंगे आपको इंटरेस्ट उतना कम पड़ेगा क्यों उसकी रीजन ये है कि उन्होंने टेन ईयर्स के लिए आपको वो दिया लेकिन उन्होंने आपको कह दिया कि एवरी ईयर उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा और ये इंटरेस्ट रेट एवरी ईयर उस पर इंक्रीज होता जाएगा सो सेम इज द केस विद दिस सिंकिंग फंड मैथड सिंकिंग फंड का मैथड है कि आपके फंड्स जो हैं वो जाके इंटरेस्ट रेट में कंज्यूम uh, हो रहे हैं आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर आप देखो कि आर का फैक्टर जो है वो अप होता जाएगा एवरी ईयर एवरी ईयर प्रीवियस अमाउंट भी है आर का फैक्टर भी एड होता जा रहा है सो दिस इज बेसिकली वी हैव टू पे आफ्टर एनी ईयर यू विल बी पेइंग लाइक वट इज जनरेटेड देन वन प्लस वट इज योर इंटरेस्ट रेट फॉर एनी ईयर्स टेन ईयर्स के लिए लिया था तो टेन ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट रेट बना ये टोटल आप यहाँ पर डालेंगे ठीक है बेटा आ गई है समझ Yes, आप देखते जा रहे हैं कि जैसे आपका थर्ड ईयर है आपको टेन ईयर्स के लिए कर्जा मिला बैंक से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल थी आप इसमें थ्री ईयर्स को माइनस कर दे तो आपके थ्री इस तो गुजर गए जो आपने दे दिया सेवन ईयर्स बच के बाकी ठीक है तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह आपने इसको याद रखना है कि टोटल फंड आफ्टर एनी ईयर्स क्या बनेगा टोटल फंड आपके बनेंगे कि कितनी जनरेशन थी उसके बाद हर ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है उस लिहाज से माइनस करते जा रहे हैं हम कि हमने कितना दे दिया और कितना बाकी रह गया तो जो टोटल फंड आपका बचेगा वो क्या बन जाएगा जो टोटल आपका फॉर्मूला बनेगा इसकी कैलकुलेशन के लिए वो बनेगा हाउ मच यू हैव जनरेटेड वन प्लस योर इंटरेस्ट रेट फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स एंड देन फॉर प्रॉबीबिलिटी बेस्ड कैलकुलेशन हम स्टेटिस्टिक्स से कैलकुलेशन करते हैं ना हमेशा इन चीज़ों की जैसे आपने कहा कि मैंने एक घर बनाना है और ये टू ईयर्स में कम्प्लीट होगा और इतना मेरे पास बजट है तो यू बेसिकली आर एस्टिमेटिंग दैट नंबर ऑफ ईयर्स एंड यू आर लुकिंग एट द स्टेटिस्टिक्स आप कहते हैं Uh, like uh, uh, the ground floor is finished in the first six months, first floor will gonna finish in uh, next six months. So basically you are setting up a time estimate. You are looking towards the statistics of everything. So in yaha per to, to total fund ki calculation ha, it is based upon statistics. So the total fund uh, must be equal to the cost of replacement of the equipment. Ab ne, for example, you system make unit key replacement hui, रिप्लेसमेंट आप किस तरह उसको इंक्लूड करेंगे आप यहां पर तो आपका टोटल फंड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पे चला जाएगा पी माइनस एस वॉट इज द इनिशियल सिंकिंग फंड किस तरह बन जाएगा आप सिंकिंग फंड बेसिकली हमारा ये था क्यू क्यू जो है ना ये सिंकिंग फंड है हमारा अब हम देखेंगे कि हमारा क्यू सिंकिंग फंड का मतलब क्या है कि कितना आपने इन्वेस्ट किया था अपने जनरेशन यूनिट में और कितना इसका यूटिलाइज हो गया फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स विद इंटरेस्ट रेट सो पी माइनस एस आर और ये सारा आप रीस्ट्रक्चर करोगे इस फॉर्मूला को तो क्यू कैलकुलेशन में आप देखेंगे कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ जनरेशन यूनिट स्क्रैप वैल्यू इंटरेस्ट रेट नंबर ऑफ इयर्स दे ऑल विल बी इंक्लूडेड सो सिंगिंग फंड फैक्टर हम कहते हैं जी क्यू इज़ द यूनिफॉर्म एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज है लेकिन हमें अगर आ, अपने सिस्टम की देखनी है तो हम सिंगिंग फंड फैक्टर से आइडिया कर सकते हैं कि कितना इसका फंड एस्टिमेटेड यूटिलाइज हो गया है तो हम करेंगे क्या कि तो टोटल इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है और एन नंबर ऑफ ईयर के लिए कितना था माइनस वन और फिर हम देखेंगे कि अच्छा इकोनॉमी इकोनॉमिकल स्टडीज के हवाले से हमारी सिस्टम की क्या जा रही हैं ये सारा आपकी जो कैलकुलेशन होगी ये मेथड से ये ऑफ कोर्स देन बेस्ड अपॉन देम वी विल डिसाइड दैट हाउ मच एंड टैरिफ्स हाउ गोना पे फॉर दैट अच्छा जी अनदर असाइनमेंट फॉर यू अच्छा इसका मकसद असाइनमेंट का देखे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आपने जब अपने प्रॉब्लम्स करने हैं ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स या एग्जाम्पल्स करनी है बाय हैंड ऑन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट की नेचर है ये ज़्यादा नुमेरिकल बेस्ड है ठीक है तो नमेरिकल्स में आपने ये याद रखना है कि यू नीड टू हैव मोर प्रैक्टिस इन सॉल्विंग दैम आपको फॉर्मूलाज अब जैसे एक एक फार्मूला है उसमें ये याद रखना है अच्छा सिंगिंग फंड मैक्टर है फंड फैक्टर मेथड है तो उसमें ये फार्मूला है इसमें आर की वैल्यू क्यों इंक्रीज हो रही है क्यों डिक्रीज हो रही है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू कंसिडर एवरी थिंग आपने ये असाइनमेंट नंबर थ्री जो है ये जमा करवानी है आफ्टर योर टू असाइनमेंट्स क्योंकि ये तीन चैप्टर्स जो थे ये बेसिक्स थे आपके इन तीनों की असाइनमेंट देने का पर्पज़ ये है कि आप लोड कर्ज टेरिस और ये जो जनरेशन कॉस्ट है इनके बारे में अच्छी तरह जो फार्मूलास हैं ये आपके प्रैक्टिस हो जाएं और रिटन असाइनमेंट अपने हैंड ऑन रिटन असाइनमेंट सबमिट करवानी है सबने इसकी डेट चेंज कर देती हूँ आपने हाँ जी पहली जो दो असाइनमेंट्स थी उनकी डेट हमारी क्या है 4 4 है आ, या 6th है मंडे को नहीं करती थी हमने मंडे को कर दी थी मैडम को कर दी थी तो हमारी अगर है ना तो इसको एक और वीक के और गैप से ले लें जैसे फॉर हमारे पास अम, इसको सिक्स है तो आप कर लें सेवन नाइन टेन टीन पे कर ले इसको ठीक है ये इस तरह रख लेते हैं कि आपने ये पिछ वन वीक से के से जी जी। मैं पिछले तक क्या को तो इतवार चले तो फिर हम रख लेते हैं, उसको कर लेते हैं। अच्छा ये मैं 14 रफली लिख रही हूँ आप लोगों की क्लासेस का स्केजल जो है मेरा ख्याल है नया टाइम टेबल आप लोगों के पास आ गया होगा तो जो मेरे सेक्शन है एक तो आप लोगों की क्लास है आ, मंडे को है फोर टू सिक्स और फिर एक आ, क्लास है वेंसडे को मॉर्निंग में हाँ जी जो वेंसडे को मॉर्निंग में है वो कौन से सेक्शन की है सी डी की है मेरा ख्याल है वेंसडे को मेरा ख्याल है कि सी और डी की है तो आपने आ, अभी मुझे बल्कि ये बात फिर मैं भूल जाऊंगी कहना ना सी आर जो जिन सेक्शंस की वेंसडे को फर्स्ट थ्री लेक्चर्स में क्लास है उनका मैंने देखा है जो फ़ोर टू सिक्स है वो ट्यूटोरियल बन रहा है तो आप अगर काइंडली एडजस्ट करवा सकें इसको फोर टू सिक्स तो दैट विल बी मोर इजियर आप देख लें इसकी पॉसिबिलिटी मुझसे डिस्कस फिर कर लीजिएगा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया हुआ है उसमें सीआर कम्युनिकेट कर लीजिएगा आप मुझसे मैम हमने वो कुछ एडिशनल कोर्सेस स्टूडेंट्स ने उठाए हुए हैं तो वो फिर उसमें क्लैश ना आ जाए अच्छा उसे क्लैश आने का प्रॉब्लम है अच्छा वेंसडे को ना चले आप पॉसिबिलिटी पहले चेक कर लीजिएगा अगर हो सकता है तो फिर एडजस्ट कर दीजिएगा उसे फोर टू सिक्स में वरना नहीं हो सकता तो फिर बता दीजिएगा कर लेंगे मैनेज ठीक है <coughs> अच्छा जी फाइव मिनट्स की ब्रेक लेते हैं ठीक है उसके बाद मैं एक दूसरा टॉपिक शुरू करती हूँ लेकिन वो ये है कि वो पूरा नहीं पढ़ेंगे थोड़ा सा पढ़ के फिर आज खत्म कर देंगे सही है तो फाइव मिनट्स की ब्रेक लेते हैं टेन इलेवन हुए तकरीबन टेन ट्वेंटी पे फिर आ जाएगा सही है ओके okay, मैम

सब्जेक्ट्स के पावर फैक्टर के बारे में आपने मतलब पावर फैक्टर के बारे में वी नो दैट हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड वी हैव आइडिया अबाउट पावर एंगल पावर ट्राइंगल और किस तरह इसको कैलकुलेट ओवरऑल किया जाता है लेकिन अब जब हम पावर फैक्टर की डिस्कशन करेंगे सो इट विल बी डिस्कस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट हाउ विद द चेंज इन लोड योर पावर फैक्टर कुड पॉसिबली कैन चेंज सो so, हमारे पास इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आती हैं जो कि इंटर रिलेटेड है फॉर एग्ज़ाम्पल लॉसेज अगर आपके सिस्टम में हो रहे हैं ट्रांसमिशन साइड पे तो वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं पावर फैक्टर को पावर फैक्टर बेसिकली डिटर्मिन क्या करता है हमारे लिए हमारे पास इनिशियल में अगर बेसिक्स में इसकी जाए कि हमारे पास पावर फैक्टर हम क्यों इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं सो बेसिकली इट इज़ टेलिंग अस दैट What is the relationship between voltage and current in AC circuits? So Hamaripas voltage and current p is equals to Y, V, I. this is a very common formula. So it means that we are interested to know that what is ongoing value of voltage and current in our circuit and usually we use AC circuits. So that's why power factor is a very important factor which needed to be discussed from load point of view. पावर फैक्टर लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका लोड एक्टिव पावर को यूटिलाइज करता है एक्टिव पावर है ना जैसे एक्टिव पावर है रिएक्टिव पावर है और उसके बाद आपके पास अपेरेंट पावर है तो जो आपकी एक्टिव पावर है पी का फैक्टर है दैट इज बेसिकली यूटिलाइज बाय योर लोड इफेक्टिवली तो हमें ये देखना है कि हमारा पी इज इक्वल्स टू वी आई का क्राइटेरिया किस तरह कैलकुलेट हो रहा है

तो ए, उसकी बिलिंग के मैकेनिज्म के लिहाज से उसको किया जाता है लेकिन वो रेजिस्टिव बेसिकली होता नहीं है सो so, हमारा अगर इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें हमें पता है कि करंट लैग करेगा वोल्टेज से और पावर फैक्टर जो है उसको भी हम लैगिंग पावर फैक्टर कहेंगे अगर आपका कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट आपका लीड करेगा और फिर आप उसके पावर फैक्टर को भी लीडिंग कहेंगे लेकिन हमारी यूजुअली हम सर्किट में कैपेसिटिव लोड इतने हमारे होते नहीं है हमारे लोड ज्यादा इंडक्टिव ही हैं अच्छा जी हमारा फॉर एग्जांपल हम एक इंडक्टिव सर्किट को कंसिडर करते हैं और उसमें हमारे पास एक करंट है जो कि लैगिंग है दैट इज आई करंट वोल्टेज है सप्लाई uh, है वी और हमारे पास एंगल है फाइव सो फेजर डायग्राम अगर हम इसकी देखें

कंपोनेंट है इसको फर्दर टू फैक्टर्स में रिजोल्व कर सकते हैं ऑफ़ ऑफ़ थीटा थीटा एंड सो जो आपका इन लाइन है वोल्टेज के साथ और इन फेज है वोल्टेज के साथ दैट इज बेसिकली दॉटफुल और द एक्टिव कॉम्पोनेंट

जितना आपका एंगल कम होगा आपका पावर फैक्टर बढ़ेगा और जितना आपका एंगल ज्यादा होगा आपका पावर फैक्टर कम हो जाएगा सो द रिएक्टिव कंपोनेंट इज अर ऑफ पावर फैक्टर इफ द रियटिव कम्पोनेंट इज स्म द फेज एंगल इज स्म एंड पावर फैक्टर विल बी हाई एंडा वी वॉन्ट एक्चुअली दिस एंगल टू बी स्मॉल इन आवर सिस्टम हमारी ये अः कोशिश होती है कि हमारे सिस्टम में जो एंगल है इसको स्मॉल ही रखा जाए ताकि हमारा परफेक्टर अच्छा रहे आई साइन ऑफ थीटा जो आपका है जैसे आई साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कम से कम हो ताकि हमारा परफेक्टर अच्छा रहे सिस्टम के लिए पावर ट्रायंगल अगर हम देखें पावर ट्रायंगल इज अ सिंपल वन विच वी हैव लर्न ऑलरेडी सो मेनी टाइम्स सो पावर एंगल ट्रायंगल हमें ये बताती है कि आपका जो बेस uh, कंपोनेंट है दैट इज एक्टिव पावर आपका हाई पॉटिन्यूस जो है that is uh, apparent power and perpendicular is your reactive power so we can also represent it in this way that your base is vi cos of phi your perpendicular is vi sine of phi and how your hypotenuse is only vi so in this diagram we have oa which is vi cause of phi it can represent active power ab is v vi, VI sine of phi which represent reactive power and ob is apparent power now we can conclude uh, we can uh, conclude some of uh, other things from this uh, power angle diagram so if the apparent power in an ac circuit has two components active and reactive so, we can calculate uh, this triangle like OB square is equal to OA square plus AB square. So, if we go back, we can see that uh, your apparent power, which is OB, is equal to active plus reactive power. And we are applying uh, Pythagoras' theorem over here pythagoras theorem says that uh, if you take square of everything it were like a square of hypotenuse is equal to square square of base plus square of perpendicular so it means that uh, your kva square which is unit for apparent power is equal to kilowatt square plus kilowatt square

ठीक है आपने इस तरह पढ़ा होगा अब आपको यहाँ से क्लियर देखें आपको हो जाएगा कि हमारे सिस्टम की बेसिकली जो रेटिंग होती है वो हम ओवरऑल के वी ए में लेते हैं ठीक है थीके? और जो लोड हमारा कंज्यूम कर रहा होता है वो किलो वॉट्स होते हैं इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम से जो आ रही है या हमारे सिस्टम की जो रेटिंग है जो डिफाइन करेगी कि इतनी पावर आ सकती है वो के वी ए है और जितना आपके लोड से कंज्यूम होगी वो किलो वॉट्स है ठीक है ये आ, है तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पावर फैक्टर का लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाए देन यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स बिकॉज एज आई सेट सो मेनी कॉन्सेप्ट आर एक्चुअली लिंक्ड विद दिस पावर फैक्टर कॉन्सेप्ट लॉसेज भी इवन इसी से लिंक्ड है लॉसेज इस तरह लिंक्ड है कि अगर आपके लॉसेज ज्यादा है ना तो आपका पावर फैक्टर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम में अगर पार्फेक्टर कम है हमारा सिस्टम पुअर परफेक्टर पे काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग वी हैव इधर लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन और वी हैव लॉसेस लाइक इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज यू कैन हैव लॉसिस ऑन लोड साइड ऑल्सो क्योंकि वहाँ पर मशीनरीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा uh, पावर को कंज्यूम कर रही होती हैं तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से पावर कंज्यूम के लॉस हो रहा है पावर का तो ये भी एक पावर फैक्टर के कम होने की रीजन हो सकती है सो दैट्स वाई पावर फैक्टर इज ऑल्सो अ हेल्पफुल टूल फॉर अस टू डिटामिन द लॉसिज ऑफ द सिस्टम सो द पावर फैक्टर ऑफ अ सर्किट कैन बी डिफाइन इन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज सो दिस इज दिस कैन बी द रिप्रेजेंटेशन डिपेंडिंग अपॉन दैट जो आपने फॉर्मूला बताया था पावर फैक्टर का पिछली स्लाइड में तो इस पे जो जनरेशन साइड तो तो से पावर को होना चाहिए। अच्छा, होता आपका ये है आपके जो पावर फैक्टर का ये वाला फार्मूला जो फर्स्ट है ना जो जो यहाँ पर लिखा हुआ के भी है इस पे डिपेंड ये करता है कि आपके लोड कितना कंज्यूम कर रहा है और आपकी रेटिंग कितनी आ रही है अच्छा अब रेटिंग ये नहीं है कि हम जनरेशन साइड पे जाके उधर से आ, मतलब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहे हैं तो आप जनरेशन तक नहीं जाएंगे बल्कि जन आप ना उसको जोन्स बनाते हैं अपने सिस्टम के पावर सिस्टम के हम जोन्स बना देते हैं जनरेशन जोन है ट्रांसमिशन जोन है सब ट्रांसमिशन जोन है देन डिस्ट्रीब्यूशन जोन है अब हम हम जब लोड पे जाके पावर फैक्टर को देखते हैं तो हम जो के वी ए रेटिंग लेंगे वो बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की लेंगे ठीक है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से पहले की जो कहानी है वो वापडा की जिम्मेदारी है और वापडा वहाँ से ये इंश्योर करेगा कि कितना पावर फैक्टर आ रहा है अगर आपका ट्रांसफार्मर की के वी ए रेटिंग आपके वापडा की तरफ से के वी ए रेटिंग इतनी थी इतना पावर फैक्टर आ रहा था तो उससे आगे हम रेजिडेंशियल कस्टमर की नहीं होती रेजिडेंशियल कस्टमर नहीं पे करते पावर फैक्टर के लॉसेस का आपके इंडस्ट्रियल कस्टमर पे करते हैं तो अब फॉर एग्जाम्पल आप एक इंडस्ट्री है आपकी तो आपका एक ट्रांसफार्मर uh, डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है वापडा की तरफ से वापडा वालों ने कहा जी हमने आपको इतना पावर फैक्टर दिया है आपकी केवीए रेटिंग इस ट्रांसफार्मर की इतनी है इतनी पावर आपकी आएगी, आएगी आपके लोड्स के लिए अब आपके लोड्स की तरफ से अगर लॉसेस होते हैं तो फिर आपने बेसिकली केवीए रेटिंग जो ट्रांसफार्मर की थी उसके लिहाज से देखना है कि कितनी केवीए रेटिंग आ रही थी कितनी पावर कंज्यूम हुई कितने लॉसेज हुए ठीक है तो ये केवीए रेटिंग जेनरेशन साइड तक हम नहीं जाएंगे एज अ कंज्यूमर हम नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए मैं आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट इस पावर फैक्टर में दे रही हूँ हम पावर फैक्टर जनरेशन के लिहाज से यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे आप करेंगे लेकिन ज्यार जनरेशन के जब आपका कोर्स आएगा तब करोगे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे देखोगे तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आगे आगे की बात पिछला हम ये कह रहे हैं कि हमारे वापडा की जिम्मेदारी है कि वापा वापदा देखे या जो भी आपकी यूटिलिटी यूटिलिटी देखेगी आपकी ठीक है पावर फैक्टर को हमने ये जो के वी ए रेटिंग है ये अपने ट्रांसफार्मर के लिहाज से एडजस्ट करनी है ठीक है जी क्लियर

So these are different ways how we can represent. So power factor is basically cosine of angle between voltage and current, and power factor is also ratio of resistance and impedance. Power factor is also active power divided by apparent power. So these are the various formulas which can be applied depending upon the situation of your circuit. Both formulas hai, power factor ko calculate power use. Kar sakte hai. अच्छा जी ये एक एग्जाम्पल है इसको आ, देख लेते हैं फैक्टर के हवाले से है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए सी सर्किट है और इस सर्किट में ड्रॉ जो करंट हो रहा है वो टेन एम्पियर है वोल्टेज आपकी टू हंड्रेड वोल्ट है और इसका पारफेक्टर पॉइंट एट लेगिंग है तो आप इसकी अपेरेंट पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टू हंड्रेड को आप मल्टीप्लाई कर दें टेन के साथ सिंपल पी इज इक्वल्स टू आई

0.8 है तो आपने उससे फाइव की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करोगे तो वो हो जाएगा तो ये पॉइंटिव रिएक्टिव पावर ऑफ टू थाउजेंड वे ये एंड इट इज एबल टू कन्वर्ट एक्टिव पावर द रिएक्टिव पावर इज टेड वॉर एंड डज नॉट यूज डज नो यूजफुल वर्क जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि आपकी सिर्फ एक्टिव पावर यूटिलाइज होती है लोड के लिए बाकी जो है वो कोई आ, जो आ, आपकी रिएक्टिव पावर है इसका कोई लेना देना नहीं है आपके लोड के साथ सो इट मियरली फ्लो इन टू एंड आउट ऑफ द सर्क पीरियोडिकली इनफैक्ट रिएक्टिव पावर इज अबिलिटी ऑन द सोर्स बिकॉज द सोर्स हैज टू सप्लाई एडिशनल करंट सो हमारी लाइबिलिटी है सोर्स की और वही है इसके करंट उसका सप्लाई करेगा हाँ जी डिसएडवांटेज क्या क्या है आपके ख्याल में जी फैक्टर अगर आपके सिस्टम का जा रहा है पुअर फैक्टर आप क्या समझते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं हाँ जी बिल्कुल करेक्ट Any other ideas? हाँ जी you think in your mind and speak. Extra All bill drop. pay okay. करना पड़ेगा मैं extra bill pay करना पड़ेगा हाँ एक्स्ट्रा बिल पे करना पड़ेगा लेकिन अब ज़हन में ये बात रखनी है कि यू आर पावर इंजीनियर तो आपको याद रखना है रेजिडेंशियल या कस्टमर नहीं वे करते पार फैक्टर का ठीक है ये हमेशा याद रखनी है बात रेजिडेंशियल कस्टमर नहीं वे करते हमारे रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए हमारी यूटिलिटी कहती है कि ये रेजिस्टिव लोड है होता नहीं है लेकिन उसको रेजिस्टिव कंसिडर करते हैं बिलिंग में आप पार फैक्ट्री के लिए पे नहीं करते हमारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं कमर्शियल सेक्टर भी नहीं करते क्योंकि कमर्शियल सेक्टर में देखें हमारे मॉल्स आ जाते हैं रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं तो ये कोई मशीनरी तो नहीं चला रहे ना ये तो लाइट कंजम्पशन कर रहे हैं सिर्फ So, यूनिवर्सिटी देखिये नहीं यूनिवर्सिटी में मशीनरीज आप कितनी चला रहे हैं मशीनरीज आपकी लैब साइड पे चल रही है ना आप कोई इंडस्ट्रियल बेस्ड तो मशीनरी नहीं चला रहे अपनी, अपनी यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी भी एक डोमेस्टिक लिहाज से ही कंसिडर होगी क्योंकि आपकी मशीनरीज जो है इंडस्ट्री साइड पे वो इस तरह की मशीनरीज है जो ट्वेंटी फोर सेवन यूज होती है ठीक है आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं देखो आप लैब करने जाते हैं वहां कोई मशीन चले लगी हुई है फॉर एग्जाम्पल लेकिन वो तो उस वक्त यूटिलाइज होगी ना जब आप लैब कर रहे हो ये तो नहीं है कि वो ट्वेंटी फोर सेवन आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं लेकिन जैसे आपकी एक चले फॉर एग्जाम्पल ले लें कोई बिस्किट इंडस्ट्री लगी हुई है ठीक है चॉकलेट फैक्ट्री लगी हुई है तो चॉकलेट फैक्ट्री लगी हुई है तो उसने तो उतना ऑर्डर सप्लाई करना है और ट्वेंटी फोर सेवन शायद काम कर रही हो या चले सेवन डेज काम कर रही है या नाइन टू फाइव तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें इतनी हेवी मशीनरी चल रही है और उसमें क्योंकि आप अगर किसी इंडस्ट्री को अगर आपका इतफाक हुआ हो जाने का तो सिर्फ एक नहीं है कि उसने आपको एंड प्रोडक्ट देनी है उसका जो सारे फेजेस होते हैं ना वो भी अब डिजिटल हो चुके हैं पी आ गए ना हमारे पास वाटर ये बॉटल फिलिंग भी अब जैसे पी के थ्रू हो जाती है तो इसी तरह ना आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारी मशीनरीज लगी होती हैं स्टेप बाय स्टेप तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं स्पेसिफिकली हमारा जो पावर फैक्टर का पेमेंट है अगर लो पावर फैक्टर आ रहा है आपका तो आपकी जो यूटिलिटी है वो उन पर चार्जेस या पेनाल्टीज डालती है ठीक है ये अब याद रखनी है याद हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स पढ़ रहे हैं तो ये भूलनी नहीं है लेकिन आप अगर, अगर अपना घर का बिल उठा के देखेंगे तो उसमें पावर फैक्टर लॉसेस या कोई जो है ना आपके पास पावर फैक्टर लॉस का कोई बिल नहीं होगा क्योंकि आप बीइंग अ रेजिडेंशियल कस्टमर यू आर ऑन रेजिस्टिव लोड हाँ जी ये कुछ फार्मूलाज है ये आप देखें कि सिंगल फेज सप्लाई के लिए हम करते हैं वी एल आई एल कॉज ऑफ थीटा आई एल आपके पास सीखे है जैसे करंट हम देख रहे हैं लाइन करंट सो ये डिपेंड करता है एक्टिव पावर डिवाइड बाई वी एल कॉज ऑफ फाइव पे और आप कहते हैं कि थ्री फेज के लिए हमारे पास अंडर रूट थ्री का फैक्टर आ जाता है वी एल आई एल कॉज ऑफ थीटा तो आपका जो लाइन करंट है वो फिर कैलकुलेट होगा बाय वी एल कॉज ऑफ फाइव ये सिंगल फेज और थ्री फेज का था और इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की तरफ देखें तो फ़िक्स्ड पावर एंड वोल्टेज के लिए लोड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर सो so, आप आपका जो मैंने आपको ये फॉर्मूलाज बताए हैं इसमें क्लियरली आपके लिए विजिबल है कि आपका पावर फैक्टर और लोड करंट आपस में इनवर्सली आपका करंट है वो आपका लॉसेस के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि देखिए ना आपके जो आप कहते हो ना एडी करंट लॉसेस ही तो हमारे सिस्टम का सबसे अः सबसे क्रिटिकल फैक्टर है ये हम एडी करंट लॉसेस को ही कम कर रहे हैं तो आपका जो करंट है अगर आपका पावर फैक्टर ज्यादा होगा तो आपका जो लीकेज करंट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर आपका पावर फैक्टर कम होगा तो लीकेज करंट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे आपके और आपके लोड तक उतना करंट नहीं पहुंचेगा आपका लोड नहीं चल पाएगा सो uh, so इसीलिए अब आप देखें अगर बैक ऑफ स्टोरी आप जाए तो हम वोल्टेज को क्यों हाई रखते हैं आप क्यों सुनते हैं अच्छा जी ग्यारह किलो वोल्ट आ रही है आपके घर तक आपके घर के बाहर जो लाइन आ रही है उसमें इलेवन किलो वोल्ट आ रही है किलो वोल्ट ग्यारह हजार वोल्ट ठीक है ना इलेवन थाउजेंड सो वाई सो हाई बाई वोल्टेज वी आर ट्राइंग टू लोअर डाउन करंट वैल्यू ठीक है हम करंट की वैल्यू को कम कर देते हैं और हम कहते हैं कि करंट की वैल्यू मिली एम्पेयर में चली जाए मिली एम्पियर में जाएगी तो लीकेज करंट की वैल्यू कम होगी एंड देन वी कैन वी कैन हैव लोअर लॉसेस ज करंट इनवर्सीफेक्ट कर लेकिन ये भी याद रखना है कि यूनिटी परफेक्ट होता नहीं है आइडियली आइडियली कभी भी नहीं होता रहता है मतलब बहुत आइडियल हुआ पॉइंट नाइन एट पे चला जाएगा लेकिन इतना ज्यादा वन वन पे जाता नहीं है लार्ज के वी ए रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट फॉर एग्जाम्पल आपका परफेक्टर लेगिंग है तो उसकी रीजन क्या क्या हो सकती हैं या तो आपके जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसकी के वी ए रेटिंग जो अपेरेंट पावर है वो बहुत लार्ज है उसकी वजह से हो क्या रहा है कि केवीए रेटिंग आपकी लार्ज है और परफेक्टर जो है वो इतनी किलो वॉट कंज्यूम नहीं हो रहे किलो वॉट ज्यादा वेस्ट होते जा रहे तो उसकी वजह से आपकी परफेक्टर पुअर परफेक्टर आ रहा है डक्टर का साइज भी हो सकता है कॉपर लॉसेस ज्यादा हैं वोल्टेज रेगुलेशन आपकी सही नहीं है वोटेज रेगुलेशन क्या होती है सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज तो सेंडिंग एंड वोल्टेज जितनी थी आपकी यूटिलिटी ने जितनी भेजी आपकी साइड पे आते आते वो उतनी रही ही नहीं इंडस्ट्रीज के केस में तो आपकी रेगुलेशन जो है ना जो गैप है ना सेंडिंग और रिसीविंग एंड का वो ज्यादा है तो इस वजह से पावर फैक्टर होता है हैंडलिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी नहीं है आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे अपने सिस्टम की लॉसेस ज्यादा होते जा रहे हैं एंड दैट्स द रीज़न दैट कैन बी द रीज़न फॉर लो फैक्टर हाँ जी डिसवान्टेज में वन बाय वन आप देखते हैं मैंने आपको लार्ज के वी ए रेटिंग बताया लार्ज के वी ए रेटिंग यहाँ पर देखो ये सिंपल है इस फॉर्मूला से आपके पास के वी ए है ये इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है पावर फैक्टर के अगर आपकी पावर फैक्टर की के वी ए रेटिंग बहुत ज़्यादा ले लेंगे आप तो जाहिर आपका पावर फैक्टर इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है वो लो चला जाएगा एंड देन

एट यूनिटी पार द इनपुट फुल लोड करंट वुड बी आपके पास 10 किलो वॉट की मोटर है 10,000 हो जाएगा डिवाइड आप करेंगे 250 से 40 एमपेयर उसका करंट हो जाएगा अगर पॉइंट एट का पार फैक्टर है और के वी इनपुट विल बी 10 आपकी रेटिंग है डिवाइड करेंगे पॉइंट एट से विच इज़ ट्वेल्व पॉइंट फाइव एंड द करंट इनपुट इज़ फिफ्टी एमपेयर सो इट मीनस दैट आपका कंडक्टर का साइज ग्रेटर था आपने टेन किलो वॉट पेयर चलाया उसे जितना आप ज्यादा करते जाएंगे आपका करंट का फ्लो ज्यादा होता जाएगा और करंट का फ्लो कर तो अगर ज्यादा है तो लीकेज करंट अगर आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट हो रहा है तो लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से आपका पावर फैक्टर पुअर होना शुरू हो जाएगा लार्ज कॉपर लॉसेस ऑफकोर्स कॉपर लॉसेज ज्यादा हैं आप हमने देखा कि करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना पावर फैक्टर के तो अगर आपका करंट हाई जाएगा लॉसेज ज्यादा होंगे और आपकी एफिशिएंसी भी पुअर हो जाएगी पावर फैक्टर भी लो चला जाएगा

अच्छा जी एक मिनट मैं चार्जिंग लगा लूँ जी अपने सिस्टम की आप इतनी देर में ये जो आपका पॉइंट है ये वाला आप एक दफ़ा गो थ्रू करें अच्छा जी लेट्स कंटिन्यू सो वी वर टॉकिंग अबाउट पुअर वोल्टेज रेगुलेशन हमारे पास अगर वोल्टेज रेगुलेशन पुअर है सिस्टम रिड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी किस तरह हो सकती है आपकी इंडस्ट्री साइड पे अगर आपका पुअर फैक्टर जा रहा है और आपकी इंडस्ट्रीज इसके लिए कुछ नहीं कर रही है अपने एंड पर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कपेस्टर बैंक नहीं लगाए उन्होंने वोल्टेज रेगुलेटर्स नहीं यूज़ किए हुए उन्होंने आ, आपके सिंट्रोनस मोटर्स नहीं लगाई हुई जो कि सिंट्रोनस कंडेंसर है जो कि रिएक्टिव पावर को बैलेंस करेगी सिस्टम में तो फिर दिस थिंग कैन हैपन रिड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी है आपके सिस्टम की आप, आप तो उसको हैंडल ही नहीं कर रहे जो आपका पावर फैक्टर पुअर जा रहा है एंड दैट इज द मेजर रीजन वाई योर पावर फैक्टर इज गोइंग लो एंड लो ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं या लोड्स हैं जिनकी वजह से हमारा पावर फैक्टर लो हो जाता है जैसे मैं आपको इंडस्ट्रीज की एग्जांपल दे रही थी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मोटर्स यूज की जाती हैं इंडक्शन मोटर वेरी कॉमनली इट कैन बी यूज फॉर वेराइटी ऑफ परपज तो इंडक्शन मोटर जैसे यूज होती है तो इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टअप करंट है वो हाई होता है और इसको ज़ाहिर है इसको चलते रहना है इंडक्शन मोटर ने सो इट मीन्स वी आर मेंटेनिंग अ हाई मशीनरी हाई रेटिंग मशीनरी एंड इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग अट लाइक प्रॉपर रेटिंग पुअर आर्क लैम्प्स हैं आर्क लैम्पस जो है ना आपकी जैसे हीटिंग फरनेसेज होती हैं आपके आपके इंडस्ट्रीज में फॉर एग्जांपल कहीं हीटिंग का प्रोसेस रिक्वायर है कहीं पर आप जैसे बॉटल की जो ये जो बॉटल के ऊपर ढकने होते हैं ये बनाने का फॉर एग्जांपल कह लें स्टील में इंडस्ट्री है जहाँ पर आपकी हीटिंग का प्रोसेस है सो so, इनमें आर्क लैंप्स वगैरह यूज़ होते हैं सो so, उनका लोड ज़्यादा होता है इसके अलावा लोड जो है वो आपका फ्लक्चुएट भी तो कर सकता है क्यों फ्लक्चुएट कर सकता है आपके पास सात सेवन इंडक्शन मोटर्स चल रही है आपकी इंडस्ट्री में आप उसमें से दो को ऑफलाइन कर लेते हैं और फाइव आपकी ऑनलाइन है तो इसका मतलब है कि जब आपकी ऑफलाइन है उनको ऑनलाइन भी तो कभी लाने की जरूरत पड़ेगी लोड पे डिपेंड करते हुए तो इसका मतलब है कि लोड वेरी करेगा तो इसकी वजह से आपका जो लो पावर फैक्टर की रीजंस हैं वो सामने आती है हमारे आज ही पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट्स भी होते हैं हमारे पास कौन-कौन से इक्विपमेंट हैं वी कैन यूटिलाइज स्टैटिक कैपेसिटर्स वी कैन यूटिलाईज सिंक्रोनस कंडेंसर्स एंड फेस एडवेंसर्स ऑल्सो दीज आर दिक्वपमेंट विच कैन बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पज अच्छा जी हम यहाँ तक ही आज का कवर करेंगे uh, उसकी रीज़न ये है कि आगे मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही कि uh, इससे रिलेटेड जो नूमेरिकल हैं पहले जो तीन चैप्टर्स थे उसके जो नूमेरिकल थे वो तो सिर्फ फार्मूलाज पर बेस्ड हैं जो फार्मूले मैंने आपको बताए उन्हीं से आपके हो जाएंगे सॉल्व लेकिन जो पावर फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आ, अगर हम ये पह, पहले दो लेक्चर्स आपके ऑन कैंपस होते हैं तो उसके भी मैं प्रॉब्लम्स आपको करवा देती आ, कुछ क्लास में हम सॉल्व कर लेते और डिस्कस कर लेते लेकिन वो तीन चैप्टर्स तो चलें उसका तो फार्मूला से आप कर लेंगे लेकिन जो परफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं ये आ, हमने सॉल्व करने हैं कुछ आ, क्लास में मैं सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो जाए कि किस तरह हमने सॉल्व करने हैं या न्यूमेरिकल्स का आइडिया हो जाए कुछ हैंड एंड प्रैक्टिस हो जाए आपकी क्वेश्चन हैं कोई तो हम वो भी आ, क्लास में डिस्कस कर लें तो मैं यहाँ पर लेक्चर आज का ये एंड कर रही हूँ नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर है मंडे को है जो उससे मैं ये इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे और मैं साथ साथ जो जो टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आपकी बुक में वो साथ साथ हम सॉल्व करेंगे आपने करना ये है कि जब आपने क्लास में आना है तो जो मैंने आपके साथ बुक की पीडीएफ शेयर की है उसमें से चैप्टर सिक्स को पर्टिकुलरली आप ऐसे कीजिएगा ना उसकी पेजेस

मैंने आ, जो आपको पहले पहला लेक्चर लेक्चर वो जो लास्ट वीक स्टार्ट किया था उसकी पीडीएफ वर्जन स्लाइड्स आपको ऑलरेडी ना टीम्स पे शेयर कर दी है, सही है? ये वाली स्लाइड्स मैं आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस लेक्चर शेयर करूंगी जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना ये हमारा मैं पढ़ा लूंगी पूरा फिर मैं शेयर करूंगी तो आज मैंने वो वाला लेक्चर आपको शेयर कर दिया है आप टीम्स पे देख लें सही हो गया तो ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं जब खत्म हो जाएगा हमारा लेक्चर तो अगले वी मैं आपसे शेयर कर दूंगी लेकिन आपने करना ये है कि आप चैप्टर नंबर ऑफ दैट बुक अपने साथ लेके आइएगा आप पी उसकी खोलोगे पी में आपको पता होगा मेरा ख्याल है ये इजी सा एक टूल होता है कि आप उसमें से पेजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो आप पेजेस को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा सिक्स चैप्टर की और सिर्फ उतना लेके आइएगा उसकी रीजन मैं अब आपको बताती हूँ मैं क्यों ये आपको कह रही हूँ अक्सर ये होता है कि मैं इस बुक से जब पढ़ाती हूँ तो ये बुक बहुत ज्यादा इसमें चैप्टर्स हैं और ये बुक बड़ी हैवी सी है तो ये ओपन आपके मोबाइल्स पर ईजीली होती नहीं है कई दफ़ा तो आप चैप्टर एक ले आएंगे दैट वुड बी मोर इजी फॉर अस टू डिस्कस तो आप चैप्टर सिक्स लेते इसका एक्सट्रैक्ट पेजेस करके पूरा चैप्टर सिक्स ले आइएगा ठीक है जी ठीक है इनशाला फिर ऑन कैंपस आपसे मुलाकात होगी ऑन मंडे एंड वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द पोर्शन फॉर सेक्शन ए जो कि सर ताहिर महमूद का आपको uh, बता देंगे uh, कि आप अभी क्लास मेरे साथ ही लेनी है या सर अपनी क्लास लेंगे वो सर आपको बता देंगे कम्युनिकेट कर देंगे ठीक है बाकी जो सेक्शंस हैं बी सी जिनका भी है लेक्चर मंडे uh, को फोर टू सिक्स वो लेक्चर uh, जो है वो मंडे को मेरे साथ मेरे सेक्शंस का तो होगा ठीक है जी Thank you so much for joining in the lecture. Any questions uh, before we finish the meeting? Welcome, oh, ma'am. Thank you so much. Allah Hafiz. Okay, thank you so much for joining in. Allah Hafiz.